प्यारे बच्चों, आज हम पाठ दो पढ़ेंगे जिसका नाम है दादी माँ। दादी का अपने बच्चों से बहुत ही लगाव होता है और बच्चे भी हर चीज़ के लिए दादी के पास जाते हैं। अगर उनके माता पिता उनको डांटते हैं तो दादी ही उन्हें बचाती है। तो दादी एक बच्चे के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह पाठ भी एक दादी के ऊपर है, जिसमें लेखक जब छोटा था तो वह अपनी दादी के पास रहता था, लेकिन जब वह बड़ा हो गया तो वह शहर में जाकर रहने लगा और फिर गांव में आना उसका बंद हो गया। तो एक दिन उसके मित्र की चिट्ठी आती है। चिट्ठी को पढ़कर लेखक को पता चलता है कि उसकी दादी अब दुनिया में नहीं रही। यह पढ़ते ही लेखक के सामने दादी का चेहरा घूमने लग जाता है और वह दादी द्वारा किए गए कार्य को याद करने लगता है। तो यह जो पाठ है यह संस्मरण विधा पर लिखा गया है। संस्मरण का मतलब होता है पुरानी यादों को याद करके लिखा गया है। इस पाठ को शिव प्रसाद सिंह जी ने लिखा है। तो आज हम दादी माँ पाठ पढ़ेंगे। तो इस पाठ के अंदर आपके बहुत सारे हिंदी में महीनों के नाम आए हुए हैं, जैसे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो आपको जगह जगह पाठ में इन महीनों के नाम मिलेंगे। इन महीनों में जो चैत्र का महीना होता है, हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो कैलेंडर होता है वो मार्च महीने से शुरू होता है, जबकि अंग्रेजी में जनवरी से। तो अगर हम चैत्र का महीना पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ है मार्च से अप्रैल, मतलब मार्च महीने से अप्रैल तक में। बैसाख अप्रैल से मई में। ज्येष्ठ मई से जून, ज्येष्ठ को हम जेठ भी बोलते हैं। आषाढ़ जून से जुलाई। सावन जुलाई से अगस्त। भाद्रपद जिसे भादो भी बोला जाता है, अगस्त से सितंबर। आश्विन सितंबर से अक्टूबर। कार्तिक अक्टूबर से नवंबर। मार्गशीर्ष नवंबर से दिसंबर। फिर है पौष दिसंबर से जनवरी। माघ जनवरी से फरवरी। फागुन फरवरी से मार्च। और अब बच्चों कौन सा महीना चल रहा है? अब चल रहा है बैसाख, जो है अप्रैल से मई। ठीक है, अब हम ये पाठ पढ़ेंगे। जरा पाठ में मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि जगह जगह आपको इन चैत्र महीने के बारे में बताया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए वो महीना कौन सा होता है। अगर फागुन के महीने में बताया जा रहा है तो फरवरी से मार्च, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा महीना होता है, उसमें मौसम कैसा होता है, उसके अनुसार ही पूरा चैप्टर आपका दिया हुआ है। तो अब हम अपना पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। तो जो आपका दादी माँ पाठ है वह शुरू होता है, कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमनासा हो जाता है। लेखक अपने बारे में बता रहा है कि कमजोरी ही है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी, मतलब वह 20 वर्ष के करीब है कि वो शहर में रहते हुए उसे 20 साल हो गए हैं। 20 साल में उसने वहाँ पर गर्मी भी देखी, बरसात भी देखी और बसंत भी देखा, मतलब उसे गांव से शहर आए हुए 20 साल हो चुके हैं। तो वो कह रहा है इतने दिन रहने के बाद भी जब भी थोड़ा सा कुछ होता है तो मेरा मन अनमना सा
हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं कि जो उनके मित्र हैं वो उनसे कहते हैं कि अब छुट्टी आने वाली है तो तुम गांव में चले जाना, और पीठ पीछे मुझे कमजोरी और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं कि पास में तो ये कहते हैं सामने कि गांव चले जाना, लेकिन पीछे से बोलते हैं कि इतना बड़ा हो गया कि थोड़ी सी परेशानी हुई और तभी घबराने लग जाता है। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा, तो वह कह रहा है कि अब वो सोचता है कि मैं कभी पुराने जो गांव में हुआ है वो नहीं सोचूंगा। जाने दो सोचने से होता ही क्या है, पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। तो वो कहता है कि मैं गांव के बारे में कुछ नहीं सोचूंगा। तभी वह बरबस एकदम से उसकी आँखों के सामने शरद मतलब सर्दी की शीत किरणों के समान एक धुंधली सी छाया नज़र आती है, मतलब किसी की परछाई उसे नज़र आ रही है। मुझे लगता है जैसे कुवार के दिन आ गए हैं, कि उसे क्या लग रहा है जैसे कुवार के दिन आ गए। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही हिलोरे ले रहा है कि कुवार के दिन आ गए, कि चारों तरफ बारिश का मौसम हो गया है, बारिश का मौसम आकर चला गया है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली मोथा और साई के आए एक मतलब उसके छोटे छोटे पेड़ पौधों के नाम हैं, उनकी अधगली घासें कि जब कोई घासें उसमें पानी में काफ़ी दिन तक पड़ी रहती हैं गहेरू और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूर्य की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हो गई हैं। पहले बारिश में आई और फिर आप जैसे बारिश में देखते हो कि उसमें कोई चीज़ होती है, पेड़ पौधे होते हैं, उनमें पानी भी ज़्यादा नहीं है, गंदा पानी है, वो क्या हो जाता है, सड़ जाता है और उसमें से बदबू आने लगती है। तो वो कह रहा है कि कुवार के दिन है, बारिश चली गई है और जो पानी भरा हुआ था वह अब गर्मी होने के कारण वह सूखने लग गया है और उसमें बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आने लगी है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है कि रास्तों में क्योंकि अब गर्मी आ गई है तो कीचड़ सूख गया है, और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में ममाके से कूद रहे हैं कि जो मतलब जलाशय हैं जो छोटे छोटे तालाब हैं उसमें जो लड़के हैं वो उसमें कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं कि हर मौसम की अपनी अपनी बातें होती है कि सर्दी की अपनी बातें होती है, गर्मी की अपनी बातें होती हैं, सबकी अपनी अलग अलग बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं कि आषाढ़ में हमें वो ना मिले तो कोई वो जून या जुलाई में हमें आम ना मिले तो कोई चिंता नहीं। अगन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले और तो दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले कि चैत क्या होता है, जो ये मार्च का महीना होता है उसे बोला जाए कि उसमें लाई के साथ कि लोग जब वो गेहूं काटने जाते हैं उन्हें गुड़ ना मिले तो कोई अफसोस नहीं। पर कुवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है कि ये चीज़ें ना मिले तो फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन कुवार के महीने में जो आपका सितंबर अक्टूबर वो होता है उसमें अगर इसमें आप ना कूदे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं भीतर हुड़क रहा था कि उसका भी मन कर रहा था कि जैसे गांव के और लड़के कूद रहे हैं, लेखक जब छोटा है तो उसका भी मन कर रहा है कि वह भी उसमें कूदे। दो एक दिन ही कूद सका था ना मोकर बीमार हो गया कि वो नहाया धोया और उसके बाद वो क्या हुआ, बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है कि हल्की मतलब जब थोड़ी सी बीमारी हो, थोड़ा बुखार हो, तो वो कह रहा है कि मुझे अच्छी लगती है।
थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, ज्वर का मीनिंग होता है बच्चों बुखार, कि थोड़ा थोड़ा बुखार हो, सर में समारण दर्द और सर में थोड़ा दर्द हो, खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, और पूरे दिन क्या करो, नींबू पानी पियो और साबूदाने की खीर खाओ। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी, ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। कि वो कह रहा है कि पहले थोड़ा थोड़ा मेरे को बीमार होता था तो मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिल जाती थी, लेकिन इस बार मुझे ज्वर मतलब बुखार चढ़ा तो फिर वो चढ़ता ही गया, मतलब बढ़ता ही गया, वो ठीक नहीं हुआ। रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद, कि उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि वो उस झाग भरे पानी में नहा कर आया था, और वो कह रहा है, और वो कब उतरा, रात को 12 बजे के बाद उसका बुखार उतरा। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, कि दिन में तो वह चादर में ही सो गया। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल से, जल में पतले दुबले सने 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 शरीर पर सफ़ेद किनारी हीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद टपकते हुए जल की शीतलता। कि उसमें उसकी अब इसमें दादी माँ की वेशभूषा के बारे में बताया गया है कि वो कैसी हैं, कि वो पतले दुबले सने सने शरीर पर, कि वो पतले दुबले शरीर वाली हैं, सफ़ेद किनारी हीन धोती, और उन्होंने सफ़ेद रंग की धोती पहनी हुई है जो किनारी हीन है, मतलब कोई बॉर्डर वगैरह उस पर नहीं बना हुआ है। सन से सफ़ेद बालों के सिर पर, सन मतलब जैसे एक वो होती है ना, रस्सी होती है, रस्सी के समान उनके सफ़ेद बाल हैं, टपकते हुए जल की शीतलता, और उनके बालों से जल टपक रहा है क्योंकि वो अभी अभी नहा कर आई हैं। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, कि आते ही उन्होंने, जब उन्होंने क्या किया, उसके लेखक के पेट और सिर को छुआ कि बुखार तो नहीं है, पेट में दर्द तो नहीं है। आंचल की गांठ खोल, किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुँह में डाली, और आंचल की गांठ में कोई भभूति जैसे कुछ होता है, कहते हैं कि ये वहाँ की है, इसे लगाने से सर का दर्द ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उसने अपनी पोटली अपनी धोती की उसमें गांठ में कुछ बांधा हुआ था, वो उसने लेखक के माथे पर लगा दिया। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, कि कभी तो वो पूरी मतलब दिन रात वो जब तक लेखक ठीक नहीं हो गया उसी की चारपाई होती है खाट जिस पर सोते हैं, कि उसके पास वो बैठी रही। कभी तो वो क्या करती, कभी तो पंखा जलती मतलब पंखे से हवा करती, और कभी वह लेखक के चलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। कभी लेखक के जो हाथ पैर जो थे जिन पर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत गर्म हो गए थे बुखार के कारण, उन्हें वो कपड़े से सहलाती। सर पर दालचीनी का लेप करती और 200 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, कि वो उसके ऊपर लेप लगाती जिससे कि बुखार उतर जाए, और मतलब 20-20 बार छू कर देखती कि बुखार कितना है। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीमो बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती, कि घर वालों को परेशान करती कि तुमने ये किया है, तुमने घर कहते हैं घर में जब कोई बीमार होता है तो छोक नहीं लगाना चाहिए, कि तुमने छोका तो उसमें सब्जी कुछ छोका तो नहीं है, खिचड़ी जो बनाई है उसमें मूंग की दाल तो सही मिली हुई है, कोई बाहर का आदमी एकदम से तो नहीं आ गया है। तो बार बार ऐसे करके वो मतलब घर वालों को पर्सन पूछती और उन्हें मतलब पूछती। इससे पता चलता है कि दादी माँ का लेखक से बहुत ज़्यादा लगाव था, और जब उसने लेखक को बुखार देखा कि उसको बुखार हो रहा है, तो वह पूरी दिन रात उसकी चारपाई के पास बैठी रही और उसकी सेवा में लगी रही। अब हम आगे का पहरा पढ़ेंगे, उसमें क्या है, दादी माँ को गवई गाँव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे, कि दादी माँ को गवई गांव की 50 की, गांव के लोग बोलते हैं कि ये जड़ी बूटी खिला दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे करके दादी माँ को 50 किस्म की दवाएं पता थी। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम,
अगर दादी माँ को पता चलता है गाँव में वो वह व्यक्ति बीमार है तो वह वहाँ अपने आप स्वयं पहुँच जाती और वो उनकी मतलब उन्हें बताती ऐसे करो और उनकी सेवा करने लग जाती। हाथ छूना, माता छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती कि पहले वो सबके पेट को छूती, फिर माथे को छूती, हाथ को छू के देखती और फिर कहती कि कोई ऊपरी चीज़ तो नहीं है, भूत वगैरह तो नहीं है, मलेरिया वगैरह सब कुछ अनुमान लगाकर उन्हें विश्वास से अपने विश्वास में ले लेती कि उसे यही बीमारी है। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलदार गूगल और धूप की महामारी और विसूचिका के दिनों में। विसूचिका क्या होती है? विसूचिका होती है जब हैजा की बीमारी हो जाती है, तो इस बीमारी में वह उठकर स्नान के और गुड़ मिश्रित जलधार और गूगल धूप से वो धूप वगैरह करती, मतलब पूजा वगैरह करती। सफाई कोई उनसे सीख ले कि वो पूरी सफाई पसंद थी, हमेशा सफाई से वो रहती थी और घर में भी सफाई ही रखती थी। दवा में देर होती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता, चादर या गिलाफ के गिलाफ नहीं बदले जाते। गिलाफ क्या होते हैं बेटे? जो हमारी पिलो होती है ना, तकिया, उसके जो कवर होते हैं उन्हें गिलाफ बोलते हैं, या जैसे रजाई होती है, रजाई के जो कवर होते हैं, गिलाफ नहीं बदले जाते तो वह जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, कि वो कह रहे हैं कि लेखक कह रहा है अब पहले बचपन की बात कर रहा था, अब वो आज के समय की बात कर रहा है कि बुखार तो उसे अभी भी आता है, नौकर पानी दे जाता है और जो उसके वो खाना बनाने वाले हैं मेष महाराज, वो अपनी मतलब खिचड़ी या साबूदाने की खिचड़ी बनाकर दे जाते हैं। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख लेते हैं और कुनेन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, कि जब वो कुनेन जो एक मतलब दवाई होती है कड़वी, उसकी उससे क्या होता है, उसके डर से बुखार चला भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। वो कह रहा है कि पहले तो बचपन में उसे अच्छा लगता था कि जब उसको थोड़ा थोड़ा बुखार होता था, फिर ज़्यादा बुखार हो गया तो दादी माँ ने बहुत ज़्यादा सेवा की, लेकिन लेखक अब ये कह रहा है कि अब वह बड़ा हो गया है तो उसका बिल्कुल भी मन नहीं करता कि उसको बुखार हो, क्योंकि अब दादी माँ के जैसा उसकी कोई सेवा करने वाला नहीं है, उसे दादी माँ की तरह कोई देखभाल करने वाला नहीं है। अब डॉक्टर है वो सब अपना अपना काम कर देते हैं, दादी माँ जैसा प्यार करने वाला नहीं है जो उसका ध्यान रख सके। तो छात्रों, ये जो पाठ है ये काफ़ी बड़ा है, अब इसको हम कल आगे पढ़ेंगे।